हेलो, आज हम बना रहे हैं एक अनोखा पोहा और सूजी रवा का सूजी का सैंडविच। उसके लिए 1 कप पोहा पोहा और सूजी का बना रहे हैं हम सैंडविच। 1 कप पोहा, सूजी, दही, नमक, तिल, करी पत्ता, ये 2-3 हरी मिर्ची है, और अदरक और क्रश किया हुआ अदरक और मिर्ची है, प्याज काटा हुआ, काटी हुई शिमला मिर्च, उबले हुए आलू, थोड़ा सा क्रश करे हुए धनिया, साबुत धनिया और जीरा, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ऑयल। पोहे को हमने ऐसे 4-10 मिनट पहले ऐसे इसको धो के अच्छे से धोया है, इसको घोलना नहीं है, धो के ऐसे छलनी में डाल दिया, उसका पूरा पानी निकल गया, सॉफ्ट हो गया पोहा। और मिक्सी के जार में इसको डाल देंगे। एक कप सूजी, एक कप दही, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको आधा कप इसको पीस लेंगे, इसको इसका बैटर बना लेंगे। अभी हमने सूजी और पोहा को और उसके अंदर अदरक और 2 मिर्ची डाल के टेस्ट के अनुसार जितना आप तीखा खाना चाहते हैं डाल के उसको पीस लिया है। अब इसको दो इसके दो इसमें पार्ट कर लेंगे, दो उसमें डाल लेंगे, बॉल में हाफ हाफ कर लेंगे इसको। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, उसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 स्पून टीस्पून छोटा इनो डालेंगे, ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके ऊपर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। थाली में ऐसे तेल लगा लेंगे, थोड़ा ऑयल लगा। ऑयल लगा लेंगे थाली में, तो इसके अंदर इसको बैटर को डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे इसको। अब इसको हमने पहले पानी बॉयल कर दिया, इसके अंदर जो स्टैन रख दिया है इसके ऊपर जो रख देंगे इसको, 8 से 10 मिनट तक इसको स्टीम करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे ऐसे करके। अब स्टीम करेंगे 8 से 10 मिनट इसको। अब जब तुम्हारा वो बैटर ढोकला जैसे वो रेडी हो रहा है, उसको इसके ऊपर टॉपिंग बनाएंगे ऐसे, आलू को मैश कर लेंगे। 3 आलू लिए हमने उबले हुए, अब इसको अच्छे से मैशर से ऐसे मैश कर लेंगे। फिर आलू मैश कर लिए, इसके अंदर प्याज डालेंगे काटा हुआ, थोड़ी सी काटी हुई शिमला मिर्च, तो काटे हुए करी पत्ता, और जो क्रश की हुई एक हरी मिर्च और अदरक का पीस है, टेस्ट जैसे टेस्ट के हिसाब से आप जैसा खाना चाहते हैं सब स्वाद के अनुसार। ये अमचूर पाउडर है 1 बड़ा स्पून, 1 छोटा टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 स्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा, जो साफ धनिया इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करके थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लिया थोड़ा सा। नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो स्टीम करने के लिए रखा था सूजी और पोहा को, उसका ये अभी स्टीम हो चुका है, उसका निकाल लिया हमने, 10 मिनट लग गए। इसके ऊपर अभी सॉस लगा लेंगे, हरी चटनी भी आप लगा सकते हैं आपके पास होगी तो, धनिया पुदीने की चटनी सॉस लगा लें ऊपर इसके। ये आलू का जो हमने बनाया है मसाला, इसके ऊपर लगा देंगे, पूरे फैला देंगे इसको। अभी इसके ऊपर पूरे हमने आलू फैला दिया, अच्छे से प्रेस कर दिया हाथ से। अभी जो बैटर लिया है हमने, एक बैटर है
रखा था हमने अलग से, इसके अंदर नमक डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी एक टीस्पून इनो डाल लेंगे, तो थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसके ऊपर, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी इसको बैटर को इसके ऊपर फैला देंगे, ऐसे सारे ऊपर फैला देंगे अच्छे से। अभी हमने पूरा बैटर फैला दिया, अभी इसको भी 8 से 10 मिनट इसको स्टीम करेंगे। अभी 10-12 मिनट के बाद हमारा सूजी और पोहा का सैंडविच जो बन चुका है, रेडी हो चुका है, हमने बाहर निकाल लिया। इसको भी ठंडा करेंगे 8-10 मिनट, उसके बाद फिर काटेंगे इसको। हमारा अभी ये सैंडविच है जो ठंडा हो चुका है, इसको हम काट लेंगे, ऐसे पीसेस काट लेंगे इसको ऐसे करके। अभी हमने ऐसे पीसेस काट लिए इसके, अभी इसको हम टोस्ट करेंगे, जैसे ब्रेड को टोस्ट करते हैं वैसे करेंगे। तेल लगा के इसको तवे में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इसको क्रिस्पी कर लेंगे थोड़ा अच्छे से। उसके ऊपर ये तेल लगा देंगे थोड़े से, थोड़ा सा करी पत्ता, आप धनिया भी लगा सकते हैं रंग में। अब इसके अंदर इसको रख लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। हमारा पोहा और सूजी का सैंडविच रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है, यम्मी लगता है बहुत ही। हमारी रेसिपी जो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना।